सब अधिनायकवादी पहला शाही या एक दलीय पद्धति सब में रूपांतरण करके एक महाअभियान प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष रूप से लागल छी। नेपाल के राजनीति के एक सुंदर पक्ष की अहाँके तो कहबे करै छी, हमारे लोग कहै छी कि नहीं कहै छी, हम तो कहै छी हमरा सबके प्रणाली एहन अछि जे हमसब एहिठाम राजा के निरंकुश शक्ति आ परम्परागत शक्ति अधिनायकवादी शक्ति सब मुक्त कऽ कऽ देश के लोकतांत्रिकरण मात्रे नहि केलिए। हमसे एक आरो बात कहै छी जे स्वयं साम्यवादी आंदोलन के सेहो कम्युनिस्ट के सेहो डेमोक्रेटाइजेशन हमर ई रहैए अहाँके विश्लेषण। नेपाल के राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में अगर अध्ययन कयल जाए रामनारायण बाबू के पुस्ता से लऽ कऽ अखन तक के पुस्ता के अध्ययन करबै तो बहुते बात पे राजनीतिक रूपांतरण करै छै, लाक्षणिक अगर करेक्टरिस्टिक्स देखबै अहाँके तो नेपाली कांग्रेस राजा के पाछा लगा वाला ताकत जे अहाँके पंचायती व्यवस्था के नाम पर अधिनायकवाद एहिठाम संचालन कर छलैए ओकरा पराजित कऽ कऽ ओकर लोकतांत्रिकरण तऽ कहबे कयली राणा के होइ चाहे राजा के होइ, लेकिन संगे संगे नेपाल में जे एकटा पॉइंट छै कम्युनिस्ट धार छै सामाजिक धार छै जकरा हम सब सामान्य अर्थे बुझै छियै कम्युनिस्ट डेमोक्रेट नहि होइ छै, कम्युनिस्ट के आ डेमोक्रेट शब्द के अस्तित्व और अगर परिभाषा के अंतर तो हम बुझै छियै। हमसब कहै छी जे हमसब डेमोक्रेट छी, ओ सब कम्युनिस्ट छै जे कम्युनिस्ट तकरा एकर अर्थ ई भेलै जे हमसब डेमोक्रेट छी आ ओ सब कम्युनिस्ट छै जे कम्युनिस्ट छै से डेमोक्रेट नहि छै। राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक सब हमरा क्या पढ़ेने छै आ देश आ दुनिया में जे अहाँके प्रणाली के